अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद फरामोश और आप देख रहे हैं हरीफ डिजिटल। और मैं इस वक्त बरेसगीर के शहनशाह जहांगीर के बेगम नूरजहां के मकबरा के पास मौजूद हूं। नूरजहां जो पहले शेर अफगन की बीवी थी, बाद में जहांगीर की बीवी बनी और उन्होंने जहांगीर के दौर में राज किया। नूरजहां के बारे में बताता चलूँ कि इनका असल नाम मेहरुन्निसा था, मिर्जा गयास बेग की बेटी थी और इनका भाई का नाम था आसिफ जाह, जिन्हें आसिफ खान भी कहा जाता है, शाहजहां के दौर में जो बाद में गवर्नर लाहौर भी रहे और उनका मकबरा भी पास ही है। आज हम नूरजहां के मकबरे के हवाले से बात करेंगे, लाडली बेगम के हवाले से बात करेंगे। नूरजहां के मकबरा में दो कबूर थीं जो कि तहखाना में संदूक लटक रहे थे और बाद में सिख दौर में उनको नीचे दफना दिया गया। तो एक संदूक जो था वो नूरजहां की उसमें मैयत थी और दूसरे में उनकी बेटी लाडली बेगम की थी। तो आइए हम आज मकबरा नूरजहां के बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे। मुगल महारानी नूरजहां, जिनका असल नाम मेहरुन्निसा था, वो 1577 में कंधार में पैदा हुई। मुअर्रिखीन नूरजहां को एक दहाई से ज्यादा अरसा तक के पीछे हकीकी ताकत लिखते हैं। मलका को वो एजाजात और मराहत दी गईं जो उसके पेशरो या जानशीनों को कभी हासिल नहीं थी। मलका का किरदार तजारत ने नाम का सिक्का जमाने, अहम मामलात पर शहनशाह को मशवरा देने, शहनशाह को बागी से छुड़ाने, दरबार में तरक्कियों और तनजलियों की निगरानी करने के लिए बहुत बड़ा है। नूरजहां अपने दौर में जिन चीज़ों पर असरअंदाज थी उनमें अदालत में हाजिरी और शहरी तनाज़ात का तस्फिया करना, मकबरों और बागात के डिज़ाइन बनाना, शेर का शिकार करना, सल्तनत की तौसी और मजहबी पॉलिसी पर तबादला ख्याल करना। नूरजहां की हुकूमत में दखल अंदाजी और जज्वी तौर पर बरतरी उनके शौहर जहांगीर के शिकार, शराब और अफ्यून की लत में बार बार खराब सेहत की वजह से हुई। वो शहनशाह जहांगीर के साथ बैठकर दरबार में रियासती सियासत और अस्करी अमूर पर तबादला ख्याल किया करती। उसकी अपनी अदालत भी थी जहां वो अपने अवानों में जर्नैलों, सियासतदानों और हुकाम की समाअत करती। मेरे साथ यहां पे एक विजिटर फरहान साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि नूरजहां के मकबरा के हवाले से हमें कुछ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो यहाँ पे टूरिज्म जो अथॉरिटी है उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी आज से कोई 3-4 साल पहले इन्होंने तवज्जो दिलाई है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा जो है यहाँ मेंटेनेंस हुई है जो कि विजिटर थोड़ा सा आना शुरू हुए हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे साइड पे वॉल बाउंड्री जो देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी जो नहीं थी, उसकी वजह से यहाँ पे विजिटर नाम की चीज़ ही नहीं होती थी। इस पर थोड़ी सी मेंटेनेंस पे तवज्जो दी है तो यहाँ पे जो है थोड़ा ग्रूम की है, विजिटर आना शुरू हुए हैं। तो मेरे पॉइंट से इन चीज़ों पर भी जो है वो गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है कोई थोड़ी सी जो है यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनाएं, यहाँ पे झूले वगैरह लगाएं ताकि विजिटर का जो है रुझान इधर आना शुरू हो। अब वैसे भी यहाँ पे देख रहे हैं साइड पे जो है वो ब्रिज बन रहे हैं, उसकी वजह से अब विजिटर का रुझान ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे आके थोड़ी सी तवज्जो दे रहे तो यहाँ पे टूरिज़्म को बहुत प्रमोट किया जा सकता है। नूरजहां ने अपने वालिद गयास बेग और भाई आसिफ जाह से मिलकर शहजादा खुर्रम के साथ एक ग्रुप तश्कील दिया जिसने जहांगीर की हुकूमत को उस सतह पर संभाला जिसकी हमायत के बगैर कोई भी शहनशाह तक नहीं पहुंच सकता था। जब शहनशाह जहांगीर की तबीयत बिगड़ी तो वो हुकूमत संभालती रही, उसे शाही मोहर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये 1622 का जमाना था जब नूरजहां की ताकत में बेपनाह इजाफा हुआ और जहांगीर ने हुक्मरानी का सारा बोझ इस पर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके और शहजादा खुर्रम के दरमियान तनाव पैदा हो गया और नूरजहां ने खुर्रम की जगह शहरयार मिर्जा को वलीअहद बनाने की कोशिश की। जब कंधार पर हमला किया तो नूरजहां ने खुर्रम को हुक्म दिया कि वो अपनी फौज के साथ उनका मुकाबला करने के लिए महाद पर जाए। 1622 से 1624 के दरमियान जहांगीर के खिलाफ शहजादा खुर्रम की बगावत का जमाना था, ताहम खुर्रम के जहांगीर से 1625 में ताल्लुकात बेहतर हो गए। नूरजहां जनरल महाबत खान से इसलिए मायूस हो गई क्योंकि उसने शहजादा खुर्रम की बगावत को बुझा दिया था, जिससे नूरजहां तिलमिलाई और उसने महाबत खान पर बेवफाई का इल्जाम लगाया और मुकदमे का सामना करने के लिए वापस बुलाया। इस पर महाबत खान बागी हो गया और जहांगीर 100 दिन का असीर बन गया। नूरजहां ने आखिर बगावत को नाकाम बना दिया। 1627 में जहांगीर की कश्मीर जाते हुए अचानक वफात ने जानशीनी की जंग छेड़ दी। नूरजहां शहरयार को लाने की कोशिश में रही मगर उसके भाई आसिफ जाह ने शहजादा खुर्रम के हुक्म पर शहरयार की आंखें छीन ली और खुर्रम जिसे शाहजहां कहा जाता है तख्त पर विराजमान हो गया। मनसूबा नाकाम होने पर नूरजहां ने बाकी जिंदगी लाहौर की एक हवेली में गुजारी और शहनशाह हिंद शाहजहां की तरफ से उन्हें सालाना 2 लाख
लाख रुपए का वजीफा मिलता रहा। नूरजहां ने शाहजहां के दौर में 1645 में वफात पाई और यहां शाहदरा में जहांगीर और अपने भाई आसफ जाह के मकबर के करीब अपने पहले से बनवाए हुए मकबरा में सुपुर्दे खाक हुई। 50 साल से हम ये मकबरे में आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं तो ये तब्दीली देख रहा हूँ कि मैं 91 में यहाँ आया था तो ये कोई चीज नहीं थी बनी हुई। अब ये चीजें मरम्मत हुई है और ये जो चार दीवारी बनी, ये तो मुगलों का, मैं भी मुगल साथ हूँ तो ये कुछ तकरकी कर गया, हम भी मुगल हैं तो ये नूरजहां का मकबरा। पहले हम बचपने में आए थे, वाकई ये सारा मैदान था, ये अब दीवारें हुई हैं, तो इस लिहाज से तो अच्छा तो लगा है मुझे कि कुछ इसमें तब्दीली आई है, ये सब चीजें बन गई है, पहले तो बिल्कुल ही खंडर था, उस लिहाज से अच्छा है। नूरजहां की पहली शादी 1594 में 17 वर्ष की उम्र में अली कुली अस्तजलू से हुई, जो शहजादा सलीम के साथ एक मुहिम में हिस्सा लेने के बाद शेर अफगन के नाम से मशहूर हुए। दोनों की बेटी पैरुनसा पैदा हुई, जिसको लाडली बेगम भी कहा जाता है। शेर अफगन के कत्ल का इल्ज़ाम भी जहांगीर पर आता है क्योंकि वो नूरजहां से मोहब्बत करने लगा था और राह में शेर अफगन रुकावट था, मगर ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगती। शेर अफगन 1607 में कत्ल हुआ और नूरजहां से शादी 4 साल बाद 1611 में हुई। नूरजहां और जहांगीर सदियों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी का मौजू रहे हैं और उनके रिश्ते के बारे में बेशुमार दास्तानें और कहानियां लिखी गईं। 25 मई 1611 में दूसरी शादी के वक्त नूरजहां की उम्र 34 साल थी और वो जहांगीर की 20वीं और आखिरी कानूनी बीवी थी। नूरजहां अपने शौहर जहांगीर को अपने वालिद गयास बेग को माफ कराने और वजीर कराने पर राजी करने में कामयाब हुई। नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खान को जहांगीर का वजीर मुकर्रर किया। उसने अपनी बेटी लाडली की शादी जहांगीर के छोटे बेटे शहरयार से करने का बंदोबस्त भी किया। आसिफ खान, जो नूरजहां का भाई और मुमताज महल का वालिद भी था, उसने जानशीन की जंग में नूरजहां को छोड़कर शाहजहां का साथ दिया और शाहजहां के हुक्म पर नूरजहां को घर में नजरबंद कर दिया और जहां नूरजहां ने बाकी जिंदगी अपनी बेवा बेटी लाडली बेगम के साथ गुजारी। नूरजहां का इंतकाल 17 दिसंबर 1645 को 68 साल की उम्र में हुआ। वो लाहौर शाहदरा में अपने मकबरे में दफन है। उसकी कब्र पर फारसी जबान में एक कतबा नस्ब है, जिसका मतलब है, इस गरीब अजनबी की कब्र पर ना चिराग रहे, ना गुलाब, ना तितली के बाजू जले और ना शिबली गाए। जी, मैं इस वक्त नूरजहां के मकबरा पे मौजूद हूं और ये वो जगह है जहां कहा जाता है कि ये नीचे जाता है रास्ता, यहां ये तहखाना की सीढ़ियां हैं। ये मैंने आज से कोई 30-32 साल पहले यहां आया था और मैं ये सीढ़ियां उतरा था, लेकिन अब ज्यों के ये बंदे यहां मौजूद नहीं हैं और ये नहीं खुल सका, नहीं तो हम आपको दिखाते कि ये तहखाना में, अब कुछ नहीं है तहखाना में, लेकिन एक वक्त था कि यहाँ पे दोनों माँ बेटियों की जो संदूक हैं, जो ताबूत हैं, वो लटक रहे थे, लेकिन ये सिख दौर में वो उनको नीचे दफना दिया गया था। और बाद में 1988 के सैलाब में, रावी के में जो सैलाब आया, कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें भर गई थी पानी से, बाद में फिर सफाई हुई। जी नाज़रीन, आपने देखा कि नूरजहां के मकबरे की हमने आपको सैर कराई, उनके बारे में मालूमात दी। आप हमारी इस कावज को किस नज़र से देखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगेबान।